यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप सभी सोचते होंगे मैं इतना लेट वीडियो क्यों डालता हूँ। चलो आपको आज बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं देखो वीडियो से ज्यादा पता नहीं क्या, मेरे को रैंक पुश करना ज्यादा पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलाइट मास्टर के साथ 104 स्टार है सीएस में, बीआर में 4 स्टार, 100 इलाइट मास्टर के साथ, और 269 गेम में 81 गेम बुइया कर लिए। तो आप मेरे को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है बीआर और सीएस का, आप इससे पता कर सकते हो। क्या आपको हिडन प्लेसेस के साथ में सीरीज चाहिए बीआर और सीएस की, किसकी चाहिए मुझे आप कमेंट में बताना, और सबके कमेंट आज वायरल कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 10 वर्क करने वाली अपनी फैक्ट्री पे, ये वाली लोकेशन पे इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको टोटल 4 ग्लोवल की हेल्प लगेगी। या तो आप लेग पॉकेट ले लेना, या तो अपने टीममेट को बुला लेना, एक ग्लोवल वो लगा देगा सबसे नीचे वाला। आपको करना है कि एक टीममेट की जरूरत भी पड़ेगी तो इससे अच्छा एक ग्लोवल उससे लगवा सकते हो। बाकी 3 ग्लोवल कुछ लाइन से ऐसे लगा देना, मतलब एक सीढ़ी टाइप का बना देना एकदम, थोड़ा पास करते जाना, मतलब उसके पास करते आना, वो जो रेलिंग टाइप का जो बना है उसके पास कर देना, अपने टीममेट को खड़ा करा देना। इसके बाद इस ग्लोवल पे जंप करके आपको इस वाले ग्लोवल पे आ जाना। तीसरे ग्लोवल पे आने के बाद आपको एक ग्लोवल नॉर्मली ऐसे लगा देना। इसके बाद छोटी सी जम करके आप इधर आ जाओगे, इस वाली ग्लोवल पे चढ़ के आप इस वाली जगह पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप आसानी से ये वाला राउंड जीत सकते हो। आपको इतना तगड़ा कवर देखने को मिलेगा, सामने एक बंदा आ रहा है उसको बिल्कुल पता नहीं, मेरे टीममेट को मारा मैंने, उसको नॉक कर दिया। एक और बंदा दिखा, इसको पीछे के साइड आया हूं और इसको भी नॉक कर दिया। एनिमी तो सोच रहे होंगे इजी पीजी राउंड निकाल चुके हैं, चलो नेक्स्ट की ओर। ट्रिक नंबर 9 अपनी होने वाली है रिवर साइड पे। तो ये वाले लोकेशन पे भाई वो यूट्यूबर उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रिक बताने वाला, जो राइट साइड से स्कोप खोल के देखते ना भाई, एक खतरनाक ग्लिच लेके आए हूँ। बस इस वाले कंटेनर के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा पीछे आ जाओगे ना, तो भाई इजी पीजी बंदे देख नहीं पाएंगे और आप आसानी से मार सकते हो सारे बंदों। यहाँ पर मेरी सिंगल स्नाइपर देख रहे हो कैसी चला रहा हूँ धड़ाधड़, वो भी वीडियो फास्ट नहीं करी, एकदम नॉर्मल वीडियो आप देख सकते हो। बाकी आपको भी इतनी तगड़ी स्नाइपर चलाना सीखना है तो भाई हर बार कमेंट का बोलता हूँ, लेकिन भाई कमेंट से कुछ नहीं होता है। काम करो, सारे बंदे जितने भी देख रहे हो इस वीडियो को सारे बंदे लाइक कर देना, तो भाई शायद मैं जल्दी से ला सकता हूँ ये वाली वीडियो। बाकी चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर 8 वर्क करने वाली ऑब्जर्वेटरी पे, वैसे ये चीज बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तो मेरे भाई लोग हो ना यार, तो बता देता हूँ ये ट्रिक इतनी काम की नहीं है, लेकिन भाई जो भी ट्रिक मेरे को मिलती है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा बताना फर्ज है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल से इस ग्लोवल पे जंप करके आपको सामने आ जाना है, और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक बिल्कुल बकवास है। हाँ, ये ट्रिक जब काम आएगी, जब सामने ऊपर बंदे चढ़ के बैठे हो तो आप उसको मार सकते हो, थोड़ा सा कवर देखने को भी मिलता है, जिसका कवर लेके आप बंदों को मार सकते हो। यहाँ देख सकते हो कितने आसानी से मैंने बुइया निकाल लिया है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 7 वर्क करने वाली रिवनाम विलेज पे, भाई सोलो प्लेयर अब तो खुश हो जाओ भाई, जो अकेले खेलते हो ना भाई, मैंने सोलो की इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आ गया हूँ। ये ट्रिक हमेशा यूज करता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के हिसाब से करता हूँ, लेकिन यह मैं सोलो की इतनी फटाफट ट्रिक लेके आ गया हूँ। बस 2 ग्लोवल ऐसे लगाया, 2 ग्लोवल पे जंप करके इधर आकर ऐसे लग रहा है ना सीढ़ी बनाती भाई। ये ट्रिक देखने के बाद भी अगर आपने लाइक नहीं करा फिर जियान है आप। अरे अभी लास्ट तक तो देखो, ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हो ना भाई, खुद से उंगली जाएगी लाइक वाली बटन पे। देखो सामने बंदे बैठते ना, देखो बैठते बैठते क्या दिख गया और इसको मार दिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 6 वर्क करने वाली रिवर साइड पे, आप सोच रहे होंगे इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो भाग के, अभी आपको बताता हूँ। बस फटाफट इधर से कूद के इस साइड आ जाना है, और यहाँ पर से सीधे सीधे भागते तुरंत भाग के आ जाना है, और इधर आने के बाद बस सामने सिंपल जंप कर देना एकदम लंबी वाली। अरे ये आपका फेवरेट सॉन्ग कहाँ से चालू हो गया। वैसे ये वाली ट्रिक जब यूज करना जब आपके सामने स्नाइपर प्लेयर है, देखो यहाँ पे सामने बैठे रहते ना स्कोप खोल के, तो भाई एक फ्लैश फ्रिस मारता हूँ या डैमेज तो आएगा। चलो 100 का डैमेज आ गया, इसको 2-3 गोली मारी और ये फिनिश हो गया। ऐसी सारे एनिमी को पीछे से जाके सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो देख के, नहीं तो हार्ट अटैक नहीं आ जाए। ऐसी मैच मेकिंग करके बड़े यूट्यूबर को भी मार सकते हो, देखा होगा आपने बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर यहाँ पे बैठे रहते स्नाइपिंग करते हैं, तो आप जाके उनको पीछे से मार सकते हो, वो भी बोलेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ट्रिक नंबर 5 वर्क करने वाली अपनी फैक्ट्री पे, ये वाली लोकेशन के लिए आपको एक लॉन्ग रेंज की गन लेके आ जाना है, मैं वुड पिकल ले जा रहा हूँ, और एक 2 ग्लूवल लेके आ जाना, बस इस टावर के ऊपर चढ़ना। ये वाली अगर ट्रिक आपको पता हो, और अगर आप ये ट्रिक यूज नहीं करते फिर तो जियान है आप। अरे मेरे को कुछ बोलने से पहले एक बार ऊपर चढ़ के जो व्यू आता है बस वो देख लो। यहाँ पे आने के बाद बस आपको करना है कि ये जो सामने से बंदे आते हैं ना उनको आराम से आप बतो मार सकते हो, जो भी सीधे सीधे बंदे आते हैं बस आपको फायर करना, ऑटोमेटिक हेडशॉट पड़ेंगे क्योंकि आपके पास हाइट का एडवांटेज है। बस यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट के आया, सामने एक बंदा दिखा उसको मार के इधर आसानी से मैंने बुइया कर लिया। अगर आपने लाइक नहीं करो तो लाइक कर दो।
चेक नंबर 4 वर्क करने वाली एक क्लॉक टावर पे ये वाली लोकेशन पे पता नहीं कितनी सारी ट्रिक बता दी है। अभी ये ट्रिक बची हुई थी, अभी और भी ट्रिक ढूंढना बाकी है, तो भाई इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आपको इस साइड आ जाना है, सामने जंप कर देना है। जितना सरल आपको देख के लग रहा है इतना सरल भी नहीं है। जितना सरल लग रहा है जंप करके इधर आना, दीवार इतनी पतली है जैसे आप जंप करोगे तो उस साइड गिर जाओगे। स्कोप बंद चालू करके इसको तो हेडशॉट मार दिया है। और आपने कई बार देखा होगा विंडो के ऊपर बंदे बैठे रहते हैं, तो भाई बीच वाली नहीं लेफ्ट और राइट वाली पे बैठे रहते हैं, इसको मैंने हेडशॉट मारा। भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, इतना ज्यादा डैमेज दिया है मैंने हेडशॉट पे, फिर भी पता नहीं क्यों किल मुझे नहीं मिला। चलो इसको गंदा डैमेज दिया और 2-3 गोली मार के इसको भी मार दिया। चलो नेक्स्ट चिक की ओर चलते हैं। चिक नंबर 3 वर्क करने वाली अपनी ऑब्जर्वेटरी पे, इसके लिए आपको टोटल 4 ग्लूवल लेके आ जाना और एक लॉन्ग रेंज की गन लेके आ जाना है। आपको करना क्या है, इधर आना है और एक ग्लूवल को जैसे सेट कर देना है, दूसरा ग्लूवल थोड़ा और ऊपर और तीसरा और ऊपर लगा देना। अब ये पिलर के ऊपर चढ़ के आपको इस ग्लूवल पे जंप करके आपको इधर आ जाना है, और तीसरे ग्लूवल पे चढ़ने के बाद आपको एक चौथा ग्लूवल थोड़ा सा नीचे करके आपको कुछ जैसे लगा देना है, और इसके बाद इस ग्लूवल पे जंप करके आप इधर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सामने एक बंदा देखने को मिला है, बच गया साला। उसके बाकी टीममेट कैसे बचेंगे अभी रुको, अभी बताता हूँ। देखो आपको इसके आगे जाना है, तो लेटते लेटते आपको थोड़ा थोड़ा करते करते आप इस साइड आ जाओगे और आप ज्यादा देर तक जोन में रह सकते हो। और यहाँ पे मैं ग्रेनेड करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कैसे करते थे। ग्रेनेड जब भी करना है तो भाई थोड़ा पीछे होके करना चाहिए ताकि बंदे को पता नहीं चले कि मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ। तो एकदम टाइम पे फेंकना सबसे मेन है ग्रेनेड में, और जब भी प्लेस फेंको तो एकदम साइड में फेंकना ताकि 50 का डैमेज आ। चलो पहले किल आ जाए उसके बाद अपन नीचे चलते ताकि लास्ट वाला बंदे को भी मार सके। और इधर लास्ट वाला बंदा रश कर रहा था, चलो इसको भी मैंने मार के विक्ट्री कर लिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 वर्क करने वाली अपनी हैंगर पे, ये वाली लोकेशन पे आपको इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। ये वाली लोकेशन पे आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बंदो सामने वाले बंदों को तो मारोगे लेकिन वो बंदे को आप दिखोगे नहीं, मतलब इसको ग्लिच फायर वाली ट्रिक बोलते हैं। तो ये वाली लोकेशन सबसे बेस्ट ट्रिक है हैंगर के लिए, जहाँ पे आप ग्लिच फायर कर सकते हो। सामने ऊपर बंदे दिखते हैं और आप यहाँ पे बैठ के फायर करोगे तो सामने वाले को बंदे को दिखोगे। चलो अपना किल फिनिश हो गया और लास्ट वाले बंदे को मारने आ रहा था लेकिन ये मेरे टीममेट ने भूया ही करा दिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली ऑब्जर्वेटरी पे, ये वाली लोकेशन देख के आप हैरान मत हो जाना। आपको इसके लिए टोटल 3 ग्लूवल की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ग्लूवल को जैसे लगा देना है और दूसरा थोड़ा और ऊपर और आगे करके कुछ जैसे लगा देना है। मेरे टीममेट बार बार बोल रहा है मेरे को लॉन्ग रेंज गन देते, चलो डेजर्ट दे देते हैं। और इस साइड आके आपको इस वाली सीढ़ी के पास आ जाना है और इस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद एक ग्लूवल कुछ इसे और लगा देना है इस वाली फेंस के ऊपर चढ़ के, और इस ग्लूवल पे चढ़ के आप इधर आ जाओगे। इस वाली ग्लूवल पे चढ़ के आपको इधर आना है और ये जॉयस्टिक है ना, इसको खींच के लेफ्ट साइड करके वापस राइट साइड कर लेना और आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे। यहाँ पे चढ़ने के बाद भाई पूरा ऑब्जर्वेटरी कवर कर सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो को शेयर नहीं करी तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। इसको हेडशॉट मार के आराम से नॉक कर दिया है और सामने बस लास्ट एक बंदा बचा है, चलो डायरेक्ट नीचे चलते उसको मारने। और इधर भैया सामने 1v1 की फाइट हो चुकी है, क्या मैं मार पाऊंगा? चलो रश करके इसको मैक्स 7 भर के इसको मार दे। ऐसी और ट्रिक दिखनी हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लो, अगर आपको VRM की वीडियो देखना है तो राइट साइड वाली वीडियो देख लो। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।